What's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग एक ऐसा गेम खेलने जा रहे हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करना है. सबसे पहले मैं एक चीज आप लोग को क्लियर कर देता हूँ कि ये गेम ना ही GTA है ना ही Minecraft है, ये उन दोनों के बीच का मिक्सचर है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा नया गेम आ गया, क्या ये GTA क्राफ्ट है? ऐसा नहीं है. इस गेम का नाम है Tear Down. तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं. बट हाँ, आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इतना प्यारा सा बटन है, जल्दी से इसे जाओ और ठोक दो. वैसे तो इस गेम में बहुत सारे मैप्स हैं जिसमें हम डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बट दो मैप मुझे मिले, एक में GTA 5 फ्रैंकलिन हाउस और सेकंड में माइनक्राफ्ट कासल. तो आज हम लोग इन दोनों को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं. लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, तो ये हम लोग आ चुके हैं फ्रैंकलिन के बड़े से GTA 5 वाले लग्जरी मेंशन में और आज इसी को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं. और एक बार ध्यान से देखो, वहां पीछे लॉस सैंटोस की बिल्डिंग्स नजर आ रही है, बाकी बाहर फ्रैंकलिन की मस्त कार भी है, पीछे गैराज भी है. बट एक काम करते हैं, पहले ना गाड़ी का राउंड मार के आते हैं, फिर पहले पूरे घर का टूर करेंगे कि आखिरकार फ्रैंकलिन का घर इस गेम में कैसा दिखता है. बाकी हाँ यार, गाड़ी बिल्कुल एकदम रियल फील दिला रही है चलने में, और उसमें एकदम ड्रिफ्ट वगैरह भी हम लोग मार सकते हैं. मैं कह रहा हूँ ना, ये क्वालिटी बस माइनक्राफ्ट वाली है, बट इसमें ग्राफिक्स और इसकी थोड़ी फिजिक्स बिल्कुल GTA वाली होने वाली है. और इतना तो GTA में भी नहीं होता. अपनी गाड़ी टूटी है और नीचे की जो सड़क है ना, वो भी थोड़ी सी टूट गई है वहां पर, आप ध्यान से देखो. और गाड़ी बेचारी आगे से पिचक गई है. आज इस गाड़ी को पहले तोड़ेंगे, फिर फ्रैंकलिन का घर पूरा अच्छे से तोड़ा जाएगा. बाकी ओ नहीं यार, सच्ची में इसमें डिस्ट्रक्शन कितने मस्त लेवल का हो रहा है भाई. मेरी गाड़ी ना अटक चुकी है अभी यहां पर, मैंने इधर लाके ठूकी, ये शटर मींस गैराज का डोर तो टूटा ही टूटा, वॉल भी जो मैं से और तोड़ सकता हूँ, शायद से मेरा हथौड़ा कमजोर है, पता नहीं. बाकी गाड़ी पूरी लोहे वाली आवाज आ रही है. रुक जाओ, मैं गाड़ी को पीछे करता हूँ. गाड़ी अभी बुरी तरह ना इसमें अटक चुकी है, इसे कोई नहीं पीछे कर सकता. निकल तेरे, गाड़ी का शीशा टूट गया भाई. नहीं मतलब इसमें हैरान होने वाली चीज नहीं है, ऐसा लग रहा है माइनक्राफ्ट खेल रहा हूं मैं, और मैंने मारा शीशा टूट गया गाड़ी का. बाकी यहां पर एक गेट है, शायद मैं इसे खोल सकता. GTA 5 में गेट नहीं खुलता, बट हाँ इसमें खुल गया. बाहर खुल तू, ये पड़ोसियों का घर है, तुम्हारा घर भी तोड़ेंगे बट अभी नहीं, बाद में. यहाँ पर एक छोटा सा पौधा रखा है, तोड़ते हैं नीचे. है ना अमेजिंग यार, ये पूरी की पूरी लकड़ी ऐसे टूट के गिरी है ना, मतलब क्या मजा आ रहा है भाई. अभी तो मेरे पास इस गेम में ऐसे ऐसे वेपन्स है जिससे हम लोग डिस्ट्रक्शन करेंगे, तो पता नहीं कितना ज्यादा मजा आने वाला है. बाकी अपनी कार थोड़ी सी टेढ़ी हुई है बट अभी भी नहीं निकल तेरी ऐसे. निकल, इसको चलाना नहीं है, टायर फोड़ दूंगा मैं इसका भाई. ये गाड़ी थोड़ी सी तो मजबूत है, इतनी आसानी से टूटेगी नहीं. खैर बाहर कुछ डस्टबिन है प्लास्टिक के. अपने हैमर से ही मैंने डस्टबिन तोड़ डाले. गेट खोलते, कुछ टूटा घर के अंदर, वेट मुझे देखना है. ओ नहीं, मैंने जल्दबाजी में गेट खोला और यहाँ पर एक टेबल रखी हुई थी कांच की, वो टूट गई है. हम लोग फ्रैंकलिन के घर में आ चुके हैं, ये वही वाले सोफे हैं जहाँ पे फ्रैंकलिन बैठता है, पर सब तोड़ दूंगा आज मैं सब कुछ. चल तीरी ऐसी की तैसी, लाइट वाइट सब फोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर जितना भी है, पर इससे नहीं, कुछ तगड़े वेपन से. ये सोफा है फ्रैंकलिन का, ये TV है फ्रैंकलिन का, ये भी. इसको मैं तोड़ के नीचे कैसे गिराऊं? वेट भाई, स्क्रीन एक एक करके टूटी और फाइनली पूरा TV नीचे आगे गिर चुका है. और जो भी लोहे की चीज़ है ना, वो मैं अपने इस नॉर्मल से हैमर से नहीं तोड़ पा रहा हूँ. ये फ्रैंकलिन का पूरा किचन है जिसे हम लोग आज पूरा तोड़ के जाने वाले हैं. उसका सोफा है. खैर नीचे चलते हैं, नीचे वाला फ्लोर इस गेम में बना है या फिर भाई सब कुछ बना हुआ है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं माइनक्राफ्ट में फ्रैंकलिन के घर पे आ गया हूँ. भाई ये वाला फ्रैंकलिन का रूम है, इसे हम लोग खोलते हैं. और ये हम लोग आ चुके हैं फ्रैंकलिन के रूम में. ये रहा उसका बेड, यहाँ पर पेंटिंग्स लगी हुई, यहाँ मिरर लगा है और अंदर है उसका पूरा वार्डरोब. तो टाइम आ चुका है असली तबाही करने का. तो हम लोग यार एक एक चीज़ ऐसे गिर रही है ना, ये देखो मैंने इस पे मारा और टी शर्ट्स वगैरह भी ऊपर से कैसे हिलने लग गए. ऐसे लग रहा है सच्ची में टी शर्ट्स लटकी हुई है. और लेती रही ऐसे की तैसी. स्विमिंग पूल बाहर एकदम मस्त, इसने गार्डन बना रखा है. वैसे वो स्विमिंग पूल नहीं था, स्विमिंग पूल ये है, वो बाथटब था. लेट्स गो स्विमिंग. ओ वाह, पानी भी काफी ज्यादा रियल लग रहा है. गाइस मुझे ना सच्ची में समझ नहीं आ रहा है कि मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ या फिर GTA 5. आप लोग को क्या लग रहा है मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताओ. वैसे तो हम लोग Tear Down खेल रहे हैं, बट हाँ फिर भी कौन सी फील की तरफ ये ज्यादा जा रहे हैं? देखो ऐसे लाइट्स वगैरह, स्काई और क्वालिटी तो GTA 5 वाली है, बट ये सब जो टूट रहे हैं ना,
ये थोड़ा सा माइनक्राफ्ट वाली फील दिला रहा है। खैर अभी इस हैमर से तो बहुत दम लगा लिया, इससे अगर मैं इस घर को तोड़ूंगा तो पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। कुछ बढ़िया वेपन्स निकालते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रे है जिससे मैं कहीं पर भी एकदम मस्त पेंट कर सकता हूँ। बाय चांस अगर कहीं आग लग जाती है तो मैं इस फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझा भी सकता हूँ। मेरे पास एक ये वाली गन भी है बट मुझे इसका यूज नहीं पता। एक बार हम लोग इसको यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कुछ हुआ। वो भाई ये सच्ची में डेंजरस है। एक ये मधुमक्खी वाला गन भी है इसका, लेकिन मुझे यूज नहीं पता, पता नहीं क्या निकल के गया इसमें से, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी के साथ मेरे पास एक लेजर कटर है जिससे हम लोग लेजर को मार के किसी भी चीज को एकदम मस्त तरीके से कट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चेयर कट करनी है, मुझे ये मारना है, कट जाएगी। और मेरे पास है एक फ्लेम थ्रोअर जिससे हम लोग कहीं पर भी आग लगा सकते हैं। मैं इस लकड़ी को जला के देखता हूँ यहाँ पर क्या ये जलती है। वेट, इसने सच्ची में आग पकड़ ली, वो भी बहुत तेज। मुझे इसे बुझाना चाहिए। हाँ बुझा देते यार, एक ही बार में डिस्ट्रॉय करेंगे अच्छे से। रुक जाओ, सबर करो। और फायर एक्सटिंग्विशर भी एकदम मस्त काम कर रहा है। और हाँ, फ्लेम थ्रोअर हो गई, अपने पास एक मिनी गन है जिसमें से धड़ाधड़ गोलियां चलने वाली है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है बट फिर भी दिखा देते हैं। ए, तो भाई वहां पर हाल देखो, सारे के सारे शीशे टूट गए। अगर इस गन से मैं घर को तोड़ूंगा ना तो घर 2 मिनट में ना एकदम पूरा छतरी बन जाएगा भाई, कसम से। क्या ही डेंजरस है भाई ये। इसको थोड़ी देर चला के रखते हैं एक जगह पे। और ये पूरी वॉल काट दी भाई। ये देखो फ्रैंकलिन के घर का क्या हाल हो चुका है भाई, पता ही नहीं चल रहा है घर था। अब ये तो हो गया, इसी के साथ साथ हमारे पास है एक RPG, तो क्यों ना इस RPG को हम लोग यहीं पे ट्राई करें। 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई ये चीज तो GTA 5 में भी नहीं होती। घर कितने अच्छे तरीके से टूट के गिरा है। वेट, मुझे इसे रिलोड करना है और एक बारी और चलाना है। भाई एक एक करके पूरा का पूरा फ्लोर ऊपर से नीचे आ गया है, फुल रियल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और हल्की फुल्की चिंगारी से ना गाइस देखो यहाँ पर आग भी लग गई है। मैं नहीं बुझाने वाला, मैं बिल्कुल नहीं बुझाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ ये घर टूटे, वो भी एकदम जड़ से। वो भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे ऊपर मत गिर जाना भाई, मैं दूर से तोड़ने वाला हूँ अभी इस घर को। सामने वाले पिलर पे मारते गाइस पूरा एकदम मस्त तरीके से गिर के। ओ मेरी हेल्थ भी है, अगर अगर ये मेरे पास फूटा तो हो सकता है मैं भी मर जाऊं, तो मुझे ध्यान रखना होगा अपना भाई। मुझे नहीं मरना यार इसका घर तोड़ते हुए। थोड़ा दूर चल के चलाते हैं और सीधा इस बारी में कमरे के अंदर फायर करूंगा। भाई सही बताऊं तो सबसे ज्यादा मजा डिस्ट्रक्शन का अगर आ रहा है तो वो RPG से आ रहा है। भाई अंदर से घर पूरा चूरम चूर हो गया मेरे हिसाब से। तो एक बारी में आप लोग को इस टूटे हुए घर का टूर अंदर से करवा देता हूँ। भाई सही में एक एक चीज ना जल के नीचे गिर रही है, पूरे में आग लग चुकी है और कुछ पता नहीं है ये आग कब में बढ़ती चले जाए। यहाँ पर इतना ज्यादा धुआं हो गया ना, कुछ भी सही से नजर नहीं आ रहा है। बाकी एक मैं निकालता हूँ RPG को और ना घर के बाहर से चलाते हैं। वेट यहाँ से नहीं, पहले मुझे गेट खोलना क्यों है। वेट गेट भी हम लोग तोड़ देंगे, निकल तेरी, ऊपर से भी तोड़ो। अब हम लोग आराम से बाहर आ जाएंगे। अभी इसका घर ना इस साइड से बिल्कुल ओके है, लग ही नहीं रहा कि यार जैसे हम लोग इस घर को तोड़ने आए हैं। तो क्यों ना एक RPG फ्रंट में बजा दी जाए, ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, मजा नहीं आया। एक मजा चाहिए होता ना, वो नहीं आया। यहाँ पे देते हैं। ओह भाई अभी इसका घर मस्त तरीके से समझ लो टूट चुका है, पूरा खत्म। दे तेरी गया, फ्रंट से भी तो बैक से भी। इधर एक गाड़ी थी, गाड़ी भी फोड़ देते हैं। नाइस। वेट गाड़ी जिस तरीके से टूटी है ना, एक तो धुआं इतना कुछ ना, ये देखो गाड़ी के अलग अलग टुकड़े हो गए हैं भाई। और अभी हम लोग गाड़ी में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, गाड़ी गई शायद से मेरे हिसाब से। तो ओ गिर रहा है, गिर जा। एक RPG कमरे के एकदम सेंटर में बजा देनी चाहिए। ऊपर की छत भी टूट के नीचे आ गई, अब तो इसका घर गया पूरा का पूरा। मेरे पास बस RPG की एक ये लास्ट बुलेट बची है, टाइम आ चुका है इसको भी मारने का। लेट्स गो भाई, यहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है कि मेरा गेम लैग करने लग गया। मेरा गेम अभी ऐसे रो रो के चल रहा है ना भाई, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है कि इस गेम को भी हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब फटाफट से एक काम करते हैं, मेरे पास ना एक काउंटर स्ट्राइक का C4 बोम है, उसको हम लोग अलग अलग जगह पे ना प्लांट कर देते हैं और फिर इसे भी जब ब्लास्ट करेंगे
तो शायद मेरा गेम क्रैश ही हो जाएगा भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं करने वाला हूँ। इस वाली वॉल पे लगाएंगे एक बम, ये बिल्कुल सही सलामत थी। वेट गाइस, मुझे लग रहा था घर का एक एक कोना टूट गया, बट ये किचन ठीक कैसे है, यहाँ पे भी बम लगेगा। गाइस रेडी हो जाओ क्योंकि गेम क्रैश होने वाला है। मैंने इस घर में बहुत सारे C4 बम प्लांट कर दिए हैं, मेरे एक बटन दबाते ही वो सारे ब्लास्ट होंगे और मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। 3, 2, 1 लेट्स गो। वेट, डिस्ट्रक्शन सही से नहीं दिखा, बट अच्छी बात है गेम भी नहीं क्रैश हुआ। लेकिन जो जो जगह बची हुई थी ना, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी टूट गई है और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा डिस्ट्रॉय करना चाहिए इस घर को, पूरा खत्म हो गया भाई ये। गाइस हम लोग ना एक्सप्लोजन का साइज भी बढ़ा सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने बॉम्ब प्लांट करे थे ना, उस टाइम एक्सप्लोजन का साइज बहुत ज्यादा छोटा था। वेट भाई साहब, एक्सप्लोजन साइज बढ़ाते ही ये क्या हो गया, सब गया। मुझे मालूम है कि अभी ये घर बहुत बुरी तरह टूट चुका है, बट ये जो थोड़ी बहुत दीवारें बची है, क्यों ना इसको भी फोड़ दे। मेरे हिसाब से अब इस घर में कुछ भी नहीं बचा। चलो बारी है माइनक्राफ्ट कासल की। ऑल राइट गाइस, तो ये हम लोग आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के कासल में, जिसे आज हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। फटाफट से ना ऊपर चल के पहले इसे एक्सप्लोर करते हैं और हट तीरिए से किसी से। यहाँ पर इतना ज्यादा ऊंचा बना रखा है कि मैं कूद के चढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा और तोड़ेंगे, अभी थोड़ा सा बेटर है, बिल्कुल सीढ़ी वाली फील आ चुकी है। अब बस मुझे ऊपर जाने के लिए ना जंप भी नहीं मारनी, मैं नॉर्मली आ जाऊंगा भागता हुआ। बाकी यहाँ पर टॉर्चेस देखो, क्या मैं से तोड़, भाई टॉर्च ऐसे टूट के गिर रही है ना, मतलब एकदम ये भी काफी मस्त है। बाकी जो कासल है ना, ये काफी ज्यादा बढ़िया सा है। यहाँ पे जो पत्थर है, क्या मैं अपने हैमर से मैं इसे बिल्कुल नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये काफी ज्यादा मजबूत है, बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहा। बट नीचे की जो घास है और ये जो पाथ वाली डर्ट है, मैं इसको तोड़ पा रहा हूँ। ग्रास भी मैं तोड़ सकता हूँ, यहाँ पर लीव्स है ये भी मैं तोड़ सकता हूँ, बट ये जो स्टोन ब्रिक्स है ना, मैं इसे नहीं तोड़ पा रहा। बाकी टॉर्च को तोड़ने का ना एक अलग ही मजा, 2-3 पार्ट्स में अगर वो नीचे गिरती है, ये टूट जाना चाहिए भाई, लकड़ी टूटनी चाहिए। नाइस, लकड़ी टूट रही है। बाकी एक बार ही हम लोग अंदर चलते हैं, यहाँ पर ये गेट खुल क्यों नहीं रहा है, शायद अंदर, वाओ अंदर को खुल रही है, बट खोलना किसको है, हम लोग इसे तोड़ के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर एक फर्नेस है, एक क्राफ्टिंग टेबल है जो कि मेरे से काफी ज्यादा बड़ी मेरे को लग रही है। ये चेस्ट है जिसका डब्बा हम लोग खोल सकते हैं। वेट, मैंने इसके डब्बे को खोल दिया, मेरे चेस्ट नीचे, चेस्ट गिर गई यार, रुक जाओ मुझे इसे उठाना पड़ेगा वापस। इसको उठा के इधर रखते हैं, इसमें से काफी सारा सामान भी इधर आके गिर चुका है। ये देखो, ये कुछ गोल्डन इंगेट्स हैं और आयरन इंगेट्स हैं जो कि यार नीचे आके गिर गए हैं। मैं इस पूरी चेस्ट को ना पलट के इसमें से सारा सामान ना बाहर निकालता हूँ। चल अब तू निकल, सामान हमें क्योंकि मिल चुका है, इसको तोड़ो, थर तेरी ऐसी तरह से निकल यहाँ से पूरी की पूरी, इसको साइड करो, निकल। वो ये तो पूरी टूट गई, वहां जाके रुको, ले। वाह भाई कितनी ज्यादा सही लग रही है। हाँ इस चेस्ट में बहुत सारा सामान था, एक एक्स है, यहाँ पर एक अपनी शवल है, कुछ आयरन इंगेट्स हैं और कुछ गोल्डन इंगेट्स हैं, और क्या है, एक पिकेक्स है यहाँ पर आयरन की, और कुछ डायमंड्स भी हैं। वाओ, वैसे वो सब तो ठीक है, पर ये क्या है मुझे कमेंट में जाके जरूर बताओ। माइनक्राफ्ट का आइटम, अरे ये चेस्ट का टुकड़ा है, ये चेस्ट का टुकड़ा है, वही मैं सोचूं ये कौन सी चीज आ गई। बाकी ये सब हम लोग तोड़ते हैं। ऊपर कुछ सीढ़ियां गई हुई है, क्या मैं ऊपर जा सक, सीढ़ियों पे जाना था मुझे, उसे तोड़ना नहीं था। छोड़ो अभी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है और एक बारी पीछे वाली साइड पे घूम के आते हैं। बट उससे पहले ये देखो, यहाँ पर एक गेट है, इस गेट को हम लोग अंदर को खोलते हैं। ओ यहाँ पर तो मस्त टनल बना रखी है इधर से उधर जाने के लिए, और ये रही सीढ़ियाँ जिससे हम लोग ऊपर जा सकते हैं कुछ इस तरीके से जंप मार के। ऑल राइट गाइस, तो ये मैं टावर के टॉप फ्लोर पर आ चुका हूँ और यहाँ से क्या ही व्यू मिल रहा है भाई इस पूरे के पूरे कासल का। ऑल राइट गाइस, तो माइनक्राफ्ट का कासल मैंने आप लोग को पूरा का पूरा एक्सप्लोर करा दिया, अब बारी है इसको शुरू से एकदम सही तरीके से तोड़ने की। बट वेट, लेफ्ट साइड में तो एक मस्त ट्री है, एक बारी चल के ना इसे भी तोड़ के देखते हैं कि आखिरकार टूटने के बाद इसका क्या हाल होने वाला है। मेरे को मेनली देखना ये गिरता किस तरीके से, क्योंकि इस गेम की फिजिक्स काफी ज्यादा रियल है।
खैर गिरा तो एकदम सही तरीके से है, बट ये पत्तियां क्यों नहीं टूटी, ये कुछ ज्यादा मजबूत हो रही है। खैर छोड़ो, अभी तो मुझे बस ये कासल डिस्ट्रॉय करना है। मैंने लास्ट टाइम ना C4 बॉम्ब तो बहुत सारे ब्लास्ट करे थे, बट मेरे को पता नहीं चल पाया था आखिर की कितने ज्यादा डेंजरस है वो। तो एक काम करते हैं, दोबारा से एक C4 बॉम्ब को यहाँ पर लगा कर देखते हैं, क्योंकि ये जो वॉल है ना इस कासल की, ये भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो मुझे सबसे पहले इस पे टेस्ट करना है। 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई वेट, मुझे नहीं पता था कि C4 बॉम्ब इतना ज्यादा डेंजरस होगा। भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये वॉल बहुत ज्यादा मजबूत है, बट इसने ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ा यार, ऊपर का कुछ भी नहीं गिरा है। बट ठीक है यार, पता नहीं कम डिस्ट्रक्शन हुआ है ज्यादा हुआ है। आवाज तो बड़ी डेंजरस सी आई थी और देखने में भी डेंजरस लगा,